हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, हमारी जो यूनिट है फोर्थ उसका। ठीक है, उससे पहले बेटा हमने क्या डिस्कस कर लिया था, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीपीटी क्या होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है। तो बेटा हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ा, तो अब हम बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बॉन्ड के। ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट आता है बेटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ होती क्या है बेटा, बहुत सिंपल है कि कोई भी जो एटम्स हैं वो कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स। तो हम ये कहते हैं टू बॉन्डेड जो एटम्स होंगे। सपोज आपके पास एक एटम ये है जिसका न्यूक्लियस है दिस वन, ठीक है, एंड दूसरा बेटा एटम ये है जो इसके साथ बाइंड हो रहा है एंड उसका न्यूक्लियस है ये वाला। ठीक है, आप देखो इसके अंदर अगर हम डिस्टेंस देखें किसके बीच में, इस न्यूक्लियाई और इस न्यूक्लियाई के बीच में, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसी को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है बेटा, टू बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। ठीक है बेटा, डेफिनेशन मैंने राइट की हुई है। एंड इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम आपसे पूछते हैं कि वन एंगस्ट्रॉम इक्वल क्या होता है, 10^-10 मीटर। एंड बेटा वन पिकोमीटर जो होता है वो होता है 10^-12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा बहुत सिंपल है, सबसे फर्स्ट हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम फैक्टर में ये देखेंगे कि जो टू बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो भी अफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को। वो कैसे अफेक्ट करेगा, देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है बेटा साइज ऑफ एटम। इसमें क्या है बेटा, देखो साइज में अभी आपको बताती हूँ, एक साइज है स्मॉल, साइज क्या है स्मॉल, दोनों बॉन्डेड एटम का साइज है, और ये सपोज इसका न्यूक्लियस है, ये इसके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, एक है बेटा साइज लार्ज, टू बॉन्डेड एटम का साइज क्या है, लार्ज। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है डिस्टेंस ये वाली, सपोज ये डी टू है एंड ये डी वन है। अब यहाँ पर देखो स्मॉल साइज है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या है बेटा, स्मॉल है, एंड यहाँ पर साइज क्या है, लार्ज, तो बेटा बॉन्ड लेंथ जो है वो भी क्या है, लार्ज है। देखो डी टू इज ग्रेटर देन डी वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा, साइज के। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, और अगर साइज डिक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, साइज ऑफ एटम। सेकेंड बेटा हम इसमें डिस्कस करते हैं क्या, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इसमें देखो बेटा क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड मल्टीपल होता चला जाता है। जैसे कि एक आपके पास है कार्बन सिंगल बॉन्डेड, एक आपके पास है डबल बॉन्डेड, एक आपके पास है ट्रिपल बॉन्डेड। इसमें अगर आपसे ये पूछते हैं कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, बहुत सिंपल है बेटा। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि सिंगल बॉन्ड दैट मीन सिग्मा, डबल का मतलब एक सिग्मा है और एक क्या है बेटा पाई, एंड ट्रिपल का मतलब वन तो है सिग्मा एंड टू क्या है पाई। ठीक है, ये वाला सिग्मा मान लेते हैं। तो बेटा इसमें देखो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है, जब ऑर्बिटल पार्शियली ओवरलैप करते हैं और वो क्या आते हैं, नियर बाय आते हैं। तो बेटा जब ऑर्बिटल्स नियर बाय आएंगे तो न्यूक्लियाई जो है वो भी क्या आ रहे हैं, दैट मीन्स नियर बाय आ रहे हैं एटम्स के, इसका मतलब जो साइज है वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम होगी।
तो बहुत सिंपल है, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले सिंगल था फिर डबल आ गया ट्रिपल आ गया, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाती है बेटा, कम होती चली जाती है। अगर आपसे ये पूछते बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, तो सिंगल बॉन्डेड की, देन डबल, देन ट्रिपल। ट्रिपल की सबसे कम बॉन्ड लेंथ है। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बेटा क्या है, लार्ज, और यहाँ क्या होगी, स्मॉल। ठीक है, ये ध्यान रखना बॉन्ड लेंथ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप कर दोगे, अगर साइज वाले में आता है तो आपको सेम यही ऑर्डर देना होता है। वो कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपके पास HCl, HBr, HI और HF, आपसे ये पूछते हैं कि इसका ऑर्डर दो बॉन्ड लेंथ का, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, साइज, क्योंकि इसमें सभी में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा बॉन्ड चेंज हो रहे हैं, तब आप यहाँ पर बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी देखोगे। पाई बॉन्ड जितने ज्यादा इंक्रीज होते हैं बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। और यहाँ पर देखो फ्लोरीन सबसे पहले आता है, ठीक है, हेलोजन फैमिली है, देखो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, एच आई की, देन एच बी आर, फिर उससे कम होगी बेटा एच सी एल और एच एफ की सबसे कम। ये मैंने जो ऑर्डर दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कम होते हुए जा रही है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी देखनी है आपको, वहां पर हम साइज देख रहे थे, तो आपको मल्टीपल बॉन्ड जैसे ही दिखे इसका मतलब पाई बॉन्ड बना, ऑर्बिटल्स पास आए हैं, और इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हुई है, उसकी कम हुई है। तो एक चीज समझ में आई क्या, कि साइज तो क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना, बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। तो अगर ये वाली टर्म्स ध्यान रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको। एंड बेटा थर्ड जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये टू आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो साइज है वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है, और अगर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हो रही है दैट मींस वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। एंड थर्ड बेटा आएगा हाइब्रिडाइजेशन, ये पॉइंट मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूंगी, बस अभी हम देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है। देखो तो थर्ड पॉइंट है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, आपको ये ध्यान रखना है हाइब्रिडाइजेशन एक तो होता है बेटा एसपी, एक होता है एसपी टू, एक होता है एसपी थ्री। आपको ये दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अगर आपसे ये कहते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको मैं अभी आगे निकालने बताऊंगी कि कैसे निकलते हैं, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड का मतलब है एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब है एसपी टू और इसका मतलब है एसपी। तो बेटा बहुत सिंपल है क्या, कि एस करेक्टरिस्टिक देखने होते हैं हमें यहाँ पर। एस करेक्टरिस्टिक का मतलब एस ऑर्बिटल कितना है, देखो एस एक एस का है और एक पी का ऑर्बिटल है, इसका मतलब दोनों क्या है 50-50% है। यहाँ पर ऑर्बिटल एस का ओनली वन है, पी के कितने आ रहे हैं, दो, तो परसेंटेज किसकी ज्यादा हो गई, पी की, यहाँ पर पी की परसेंटेज और भी ज्यादा हो गई, इसका मतलब एस करेक्टरिस्टिक क्या हो रहे हैं, इसमें डिक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा एस करेक्टरिस्टिक अगर इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो एस करेक्टरिस्टिक के क्या होती है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान रखना है। और इसमें बेटा यहाँ भी देखो मल्टीप्लिसिटी के भी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप देख सकते हो एस करेक्टरिस्टिक का। ठीक है, एस करेक्टरिस्टिक अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ही तो हो रहा है इस टर्म में, मल्टीप्लिसिटी भी इंक्रीज हो रही है एंड एस करेक्टरिस्टिक भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दोनों ही केस में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी, और इसकी क्या है बेटा, स्मॉल। समझ आ गया, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है या पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये है आपका फर्स्ट बॉन्ड लेंथ कंप्लीट हो गया। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, टू बॉन्डेड एटम्स
कि जो न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस होती है वो, ठीक है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को? बेटा सबसे पहले क्या बताया, साइज। साइज की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड क्या बताया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, इसके क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एंड हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या होता है, एस कैरेक्टरिस्टिक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, ये थ्री पॉइंट्स थे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, सेकंड क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड में फर्स्ट था बॉन्ड लेंथ, सेकंड आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या हम यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी भी बता सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। सेम कैसे, देखो डेफिनेशन अलग है बट डिफाइन करेंगे तो दोनों सेम कैसे आएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा, कि बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है, ये होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। सिंपल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा, और अगर बॉन्ड वीक है तो एनर्जी भी उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम देनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ले लो या बॉन्ड एनर्जी ले लो, यहाँ पर एक ही चीज चलेगी, कंसेप्ट एक ही चलेगा। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रांग या फिर वीक। ठीक है बेटा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में आपको मैंने बता दिया इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स में बेटा सबसे फर्स्ट आता है, बहुत ही सिंपल, जैसा हमने साइज पढ़ा था, तो साइज से रिलेशन आ जाएगा बॉन्ड लेंथ का, और बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करेगी बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ। कैसे, मैं अभी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। स्प्रिंग है बेटा, ठीक है, आपको सभी को पता है कि स्प्रिंग ऐसे होती है। अभी ये एक शेप के अंदर हमने क्या किया, इन टर्मिनल्स को पकड़ के और स्ट्रेच कर दिया, तो अभी इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, और जैसे हम इसको स्ट्रेच करेंगे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आपको पता है बेटा जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसके टूटने का भी डर रहता है, दैट मीन्स वो टूटेगी क्योंकि हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती है वो वीक होते हुए चला जाता है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई बेटा, कम हो गई। समझ आ रही है, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसका रिलेशन किससे है बेटा, साइज से। सिंपल, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये कहते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ क्या हो बेटा, स्मॉल, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई। ठीक है, इसका मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या आती है, स्मॉल आती है, बॉन्ड लेंथ क्या है, स्मॉल, तो इसका मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी बेटा वो क्या होगी, हाई होगी, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर बॉन्ड लेंथ आपके पास लार्ज है तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, लो होगी, इसका मतलब वो क्या है बेटा, वीक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट आता है बॉन्ड लेंथ का, तो हम ये कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट क्लियर। सेकेंड आता है, अभी हमने मल्टीप्लिसिटी की बात की थी, वही सेकेंड पॉइंट सेम आएगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो बेटा जो सेकेंड फैक्टर है वो आता है बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में देखो बेटा, एक आपके पास है सिंगल बॉन्ड, एक आपके पास है डबल, और एक आपके पास है ट्रिपल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये जो सिंगल बॉन्ड है, ओनली एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड कितने हो गए, टू, और यहाँ पर बॉन्ड कितने हो गए, थ्री। तो अगर सिंगल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है और एक आपको ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है, जल्दी ब्रेक कौन होगा, एक सिंगल बॉन्ड। जैसे मैंने कहा कि आपके पास सिर्फ यहाँ पर एक ही लकड़ी है, ठीक है, इसको आपको ब्रेक करना है। अगर मैंने इसके ऊपर दो लकड़ी और रख दी, अब तीनों को ब्रेक करना है, तो इजी कौन सा होगा बेटा,
एक लकड़ी को ब्रेक करना, तो सेम एज इट इज यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा है अगर हम कंपेयर करें तो टूट गया जल्दी, इसका मतलब थोड़ा वीक है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है बेटा कम है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ तीन बॉन्ड आ गए तो यहाँ स्ट्रेंथ क्या हो गई है हाई हो गई है। तो सिंपल सा समझ आ रहा है, मल्टीप्लिसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है या एनर्जी उसको ज्यादा देनी पड़ती है ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के। क्लियर है, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपोजिट चल रहा है बेटा बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ध्यान रखना है। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट जो है बेटा वो होती है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज आपको ध्यान रखनी है क्या कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सपोज यहाँ कोई भी एक एलिमेंट या एटम है, इसके पास क्या प्रेजेंट है लॉन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है किसी भी अनदर बी के साथ उसने क्या बनाया हुआ है बॉन्ड बनाया हुआ है। तो बेटा जो ये लॉन पेयर होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं रिपेल, तो बॉन्ड पेयर ने मिलके क्या बनाया हुआ है बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है वीक हो जाता है। तो हम ये कहेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दैट मीन्स उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कम होती है, दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो रिपेल करेंगे बॉन्ड को, और बॉन्ड को रिपेल करेंगे दैट मीन्स बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे दैट मीन्स बॉन्ड क्या हो रहा है वीक हो रहा है, स्ट्रेंथ उसकी क्या हो रही है डाउन हो रही है कम हो रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेटा तीन फैक्टर थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड वीक है या फिर स्ट्रांग है, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी पूछते हैं तो हम ये कहते हैं किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्लियर, तो बेटे इनको कौन कौन से फैक्टर करते हैं, एक तो साइज और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड एंड थर्ड होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इन दोनों में अगर हम देखें इन तीनों में तो ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी ये दोनों क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, आप नेक्स्ट जो थर्ड आता है कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड में हमने फर्स्ट पढ़ा बॉन्ड लेंथ, सेकंड हमने पढ़ा है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द थर्ड आता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बेटा बॉन्ड जो एंगल है वो क्या होता है, आई थिंक सभी बच्चों को पता है क्या कि कोई भी टू एटम्स क्या बना रहे बेटा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो उन बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे बॉन्ड एंगल। तो थर्ड हम बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि सपोज कोई भी ये एक सेंट्रल एटम है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है किसी अनदर एटम से कंबाइंड हो रहा है, तो जो ये टू बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच का जो ये एंगल है इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, और ये बॉन्ड एंगल बेटा सभी का सेम नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने वेस्पर के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ी थी लीनियर होती है, ट्राइगोनल होती है, ट्राई एंगुलर ट्राइगोनल, ठीक है, हम उसको बोल रहे थे, टेट्राहेड्रल होती है, पेंटागोनल बायपिरामिडल होती है या फिर ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है, इन सभी में क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल होती है, सभी में बेटा बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है, क्योंकि बेटा सेंट्रल एटम से जो ये सराउंडिंग एटम्स हैं ये क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कनेक्टेड होते हैं बॉन्डेड होते हैं, इसलिए इनके बीच में एंगल भी क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है बॉन्ड एंगल क्या होता है, टू बॉन्डेड एटम्स के बीच की जो एंगल है उसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है इसी को हम क्या बोलेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन अभी हम नेक्स्ट में जब पढ़ेंगे तो उसमें बॉन्ड एंगल अलग अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे उसी लेक्चर में। ठीक है, थर्ड आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आता है बेटा क्या बॉन्ड ऑर्डर।
ये तो क्या था, डिस्टेंस बिटवीन या फिर कहें एंगल, नॉट डिस्टेंस, एंगल बोलोगे यहाँ पर, क्या एंगल बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, ठीक है एटम्स। और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसमें होता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, डिफरेंस समझ के चलना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। इसमें तो एंगल था टू बॉन्डेड एटम के बीच का, इसमें है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। देखो मैंने आपसे कहा जैसे सिंगल बॉन्ड है, एक मैंने कहा डबल बॉन्ड है, एक मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो टू बॉन्डेड एटम के बीच में बॉन्ड कितना है, वन, तो इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, वन, ठीक है। इसके बीच में अगर हम देखें तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, टू बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, टू। सेम एज इट इज कार्बन कार्बन के बीच में थ्री बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, थ्री। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना है, वो क्या है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती है उनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, ये ध्यान रखना है। स्पीसीज के अंदर बॉन्ड जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। उन सभी में कैसा आएगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला एफ टू एंड ओ टू टू नेगेटिव, इसमें हम जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, दोनों में सेम आएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, बहुत सिंपल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक फ्लोरीन के पास में एंड दूसरे फ्लोरीन के पास में कितने होते हैं, आप काउंट करोगे। सेम एज इट इज ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, वो काउंट करोगे, एंड माइनस टू भी है, इसका मतलब टू इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, वो भी काउंट करोगे। दोनों के इलेक्ट्रॉन देखोगे सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बेटा F2 का आपको बॉन्ड ऑर्डर सभी को पता है क्या होता है, F- है, माइनस की बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वन। तो बेटा जो ऑक्सीजन O2 टू नेगेटिव है उसमें भी हमेशा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, वन ही आएगा। बट अगर O2 का पूछ लेते हैं आपसे, O2 का टू नेगेटिव चार्ज नहीं है तो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, टू, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है और दोनों ऑक्सीजन पर वन वन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, वन आएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती हैं उनमें बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या आता है बेटा, इक्वल आता है। तो ये आपके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड, ठीक है बेटा। एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं चलते चलते, एक बेटा होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या होते हैं, दोनों नेम से पता चल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं इसको, फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक में आपको कल करवाऊंगी। समझ आ रहा है आपको, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं ना, बट उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपसे पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है तो बहुत सिंपल है बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होती है इसमें, तो हम ये कह रहे हैं टू बॉन्डेड जो एटम्स हैं उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो उन दोनों एटम्स पर चार्ज जनरेट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से उन पर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है। सिंपल है, नेम से पता चल रहा है, पोलर मतलब पोल्स, टू पोल्स,
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे मैंने एग्जांपल दिया HCl, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर ही होते हैं बेटा, ठीक है। और इसमें मैंने एग्जांपल दिया Cl2, इसमें भी शेयर होते हैं, लेकिन इसमें देखो HCl क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव जनरेट हो जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव। तो देखो बेटा पोल्स बन गए, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, या इस कंपाउंड को पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। नॉन पोलर में अगर हम देखें तो देखो क्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। क्या डिफरेंस है, नहीं हम ये नहीं बता सकते कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस, नहीं बता सकते। इसकी वजह से इन पर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है, जिसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या कंपाउंड, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की, कि किसकी ज्यादा है किसकी कम, क्लियर। तो बेटा कल हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, टेक केयर।